हमारी गाइस ट्रेन आ चुकी है जो हमें बरेली सिटी पहुंचाएगी अब लास्ट। और गाइस काफ़ी खूबसूरत मौसम है, देख सकते हैं यार। WP40 जब तक 40-3-93। चलिए गाइस इस ट्रेन में बैठते हैं। हम लोग बैठ चुके अभी ट्रेन में 15061 लालपुर कासगंज एक्सप्रेस, और इसका जो लोको है वो है WP40 इज्जत 40-3-93। और गाइस हमारी ट्रेन चल गई है बदायूं स्टेशन से। हम लोग गाइस बरेली के लिए बढ़ रहे हैं, बरेली सिटी की तरफ, अपना फाइनल डेस्टिनेशन। और अपना जो हाफ ब्लॉग जो है ख़त्म हो चुका, दूसरा जो हाफ ब्लॉग है वो स्टार्ट होने जा रहा है। बदायूं स्टेशन टू बरेली सिटी स्टेशन। बदायूं स्टेशन और गाइस बहुत सारी यादें हैं बदायूं शहर से हमारी। जैसा कि आप सब पहले भी सुन चुके हैं कि बचपन हमारा जो है यहीं पे ही बीता है, तो ज़्यादातर जो बहुत सारे बचपन के मतलब मोमेंट्स जो है हमें यहाँ के हैं मौजूद। और बदायूं स्टेशन को अलविदा कह दीजिए आप। ये जो ट्रेन है ज़्यादा पैक्ड नहीं है, हालांकि थोड़ी खाली आ रही है, देख सकते हैं कितनी जगह है इस ट्रेन में। और अच्छी बात है जगह, मतलब गेट पे जो है हमें मिल गई है, बहुत अच्छी जगह है, एकदम खाली ट्रेन है, देख सकते हैं। और गाइस यहाँ लोकेट है मल्ला नगर स्टेशन, जो इसके पर रही है ट्रेन। मल्ला नगर स्टेशन और स्किप कर रही है, खूबसूरत स्पीडी स्किप एक्शन गाइस। जब हम इधर से आ रहे थे तो ये हमें पता नहीं लगा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं तो भाई थंडर स्टॉर्म देख। कटपुरी स्टेशन गाइस। और गाइस ये जो ट्रेन है आधा घंटा लेट हो गई थी इस समय, और तो कटपुरी स्टेशन गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी इस समय। आई थिंक कटपुरी स्टेशन। और गाइस काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी बदायूं में बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, और अभी जो है गाइस, अरे यार गाइस साइड जो है WD4G खड़ा था, और यहाँ देखिए गाइस बारिश हुई थी, बारिश हुई है गाइस, देख सकते हैं आप पानी पड़ा हुआ है नीचे, देख रहा होगा। तो भटपुरी स्टेशन गाइस आ चुका है, सो हमारी ट्रेन गाइस निकल चुकी है भटपुरी स्टेशन से, और इसके बाद गाइस हमारे दो हॉल्ट और पड़ेंगे जो शायद मकरंदपुर होगा, उसके बाद बमियाना मकरंदपुर, और तीसरा आपका जो है वो रामगंगा ब्रिज, इसके बाद वेलकम टू बरेली। और गाइस अनफॉर्चुनेटली एक फ्रेट ट्रेन हमसे मिस हो गई जो उस साइड खड़ी थी, WD4G उसके साथ डैश था, तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट एक्शन था। ये ट्रेन थोड़ी और अगर खाली होती तो हमसे मिस हो करते। Yeah.
और गाइज हमारा जो कोच है वो जो लोगों से जो है मतलब और एक जगह भी अभी तक रुकी नहीं है। इन्हें जो है मल्ल नगर को स्किप किया और मकरनपुर भी शायद ही स्किप कर दिया है इन्हने, और ये लूप इन्हें लिया है अभी। आई थिंक कोई अनशेड्यूल हॉल्ड ऐसा लग रहा है, और लूप मिलना ही ना हमारे साथ पहले चले। समय लूप किया है हमें आना, सॉरी गाइस मकरंदपुर है मकरंदपुर स्टेशन आया अभी। बैग नहीं, कानपुर तैतीस 211 कानपुर बैग 9, और ये है आपकी 050-62 टनकपुर कासगंज स्पेशल ट्रेन। वही है 100% मकरनपुर में देखिए गाइज निकल चुके हम लोग मकरनपुर से, और ये ट्रेन अभी अभी आई है टनकपुर कासगंज स्पेशल ट्रेन 050-62। इसके साथ है कानपुर का वैगन 33211। मकरनपुर से गाइस निकल चुके हैं। अगर इससे पहले हमें धोखा बताओ, हमें ऐसा लगा कि मकरनपुर शायद हम स्किप कर गए, लेकिन ऐसा नहीं। मकरनपुर के बाद बमियाना, उसके बाद फिर अपना रामगंगा विलेज से बरेली। वेलकम टू बरेली गाइस। स्टेशन का ही स्किप किया है इन्हें भी।
और गाइज हमारा राम गंगा आ चुका है। और आप ये गाइज सिग्नल देख रहे हो सामने, तो ये जो है चंदौसी की तरफ से लाइन आई है, चंदौसी अलीगढ़ और दिल्ली कानपुर की तरफ से, मुरादाबाद दिल्ली की तरफ से लाइन आई है। वैसे तो मेनली अगर देखा जाए तो अलीगढ़ चंदौसी की तरफ से लाइन आई है पूरा। तो हमने पहले भी आपको दिखाई थी जो बरेली से जब हम आए थे, तो हमने दिखाई थी आपको, अब ये दोबारा आई है। तो राम गंगा ब्रिज हमारा आने वाला है, ऑलमोस्ट आ गया है गाइस। राम गंगा ब्रिज के आगे जो है हम बरेली की तरफ जाते हैं तो एक लाइन और जाती है, वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो अभी आप ये राम गंगा ब्रिज का नज़ारा आप इंजॉय करिए। और काफ़ी हल्की हो चुकी है, आने वाला तुम बैठ जाओ, जब तक राम गंगा ब्रिज आएगा। राम गंगा ब्रिज आए, राम गंगा ब्रिज बैठ लेना तुम लोग, बैठे बैठे परेशान तो। और रोड है बरेली टू मथुरा हाईवे, पैरेलल चल रहा है गाइस हमारे साथ, आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आपने एक गाड़ी देखी होगी, रन करते हुए गाइस लूट करा है, बाद में बात करते हैं। हाँ कल ले जा भाई, हो गया तो बाद में बात करते हैं। हाँ भाई ये सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा। अभी हम लोग यही जद्दोजहद करते कैसे करके बधाई पहुँच जाए, मतलब बधाई तो अपनी जो है जर्नी एकदम मतलब सक्सेसफुल है। अब हम यही सोच रहे हैं कि बरेली तक मतलब हम सक्सेसफुल रीच करने वाले हैं थोड़ी देर। राम गंगा ब्रिज गाइस, डर लगता है रात के समय, तो ये पानी जो है रात को देखना बहुत बुरा लगता है। काशीपुर के लिए अपनी जर्नी है 27 तारीख को बरेली से, पर इज्जत अगर से स्टार्ट होगी सुबह 9 बजे से, सुबह शायद 9:45 करीब या 10 बजे कह लीजिए, 10 बजे से अपनी स्टार्ट होगी जर्नी ब्लॉग। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। पैरेलल चल रहा है गाइस, बरेली टू मथुरा हाईवे। और गाइस ये बरेली टू मथुरा हाईवे पैरेलल हमारे साथ नहीं चल रहा था, अभी अभी चलने लगा है, आप देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट हुआ है अभी चलना। इससे पहले गाइस बदायूं में ये था हमारे साथ पैरेलल चल रहा था, लेकिन जो मल्लन नगर का जो फाटक पड़ा था उसके बाद ये अपने डाइवर्ट हो गया था, अभी दोबारा से यहाँ पे हमारे साथ पैरेलल चल रहा है इस समय।
गाइस आज हाथ जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। नंबर जब हम आराम करने लेटेंगे बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाथ दर्द करेगा। और गाइस कोई फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है, हमें इसका जो फ्रेट ट्रेन का जो LV होता है लास्ट व्हीकल, उसका जो ब्लिंकिंग हो रही है वो दिख रही है। और मुझे लग रहा है गाइस मेन लाइन पे भी कोई ट्रेन आ रही है, तो अनशेड्यूल हॉल्ट के लिए रुकेगी यहाँ। रामगंगा ब्रिज स्टेशन, अब प्रे ट्रेन है गाइस, इसका लोको पता नहीं है मिल पाएगा नहीं, देखने को देखते हैं मिल जाएगा तो सही है। प्रेट ट्रेन अभी कौन से लोको से अटैच है ये देखना पड़ेगा अभी। गाइस ये बैग 9 शंट कर रहा है, काफ़ी स्पीड में है। और गाइस धीरे धीरे हम लोग बरेली जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और गाइस वो जो सामने से रोशनी देख रहे हो वो गाइस दिल्ली लखनऊ मेल लाइन है, वो दिल्ली लखनऊ मेल लाइन आप सामने जो लाइटें देख रहे हो, जहाँ तक मेरा विचार है वो दिल्ली लखनऊ मेन लाइन ही है। गाइस दिल्ली लखनऊ मेन लाइन हमें यहाँ ज्वाइन करती हुई, और हम लोग अब पहुँच चुके हैं बरेली जंक्शन, अपने फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन हमारा। अभी हमें बरेली सिटी पे भी जाना है, और दिल्ली लखनऊ मेन लाइन गाइस सामने आपके है, और ये हमसे अब जो है यहाँ ज्वाइन करेगी बरेली जंक्शन पे। देख सकते हैं आप सामने जो आपको रोशनी दिख रही है, सब दिल्ली लखनऊ मेन लाइन का ही ये सब एरिया है। गाइस कोई लोको रन कर रहा है, ना आओ बैठ जाओ, अरे आदमी के तो बने नहीं, अरे बैठ रहे हैं लोको, गाइस रन कर रहा है कोई गाइस। बरेली आज भी है और आप देख रहे हैं हमारे साथ बरेली रेलवे स्टेशन, कौन सी भाई जंक्शन है नॉट स्टेशन। कोई ट्रेन जा रही है, आइए बरेली जंक्शन पर आपको स्वागत करता हूँ मिस्टर अमित, बरेली जंक्शन पर आपका स्वागत है। अंदर बरेली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गाड़ी जाने की संभावना है। 5 7 30 2 33 मुझे कौन सी ट्रेन है गाइस, आई थिंक नॉट अगेन के साथ कोई ट्रेन आप देख सकते हो जा रही है, ये गाइस चेक करना पड़ेगा इधर से।
बरेली जंक्शन गाइस हम आ चुके हैं डब्बो डेबी 40 के साथ। आप गाइस ये पहले एंजॉय करिए हमारे साथ। पैरेलल वेज डब्बो डेबी 40 गाइस। कौन सी ट्रेन है मुझे मालूम नहीं पड़ पा रहा है, मैं इसे चेकआउट करके अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। गाइस पहले इलेक्शन गाइस टिकट का डब्बू डीपी 40 है ये 40407 पहले कर रहा है गाइस हमारे साथ। और जिस पे जो DLTV लिखा होता है गाइस, जिस लोगों पे भी वो टिकेटी का ही होता है मेनली मोस्टली, मैंने अब तक ऐसा ही देखा है ज़्यादातर, तो मेरे हिसाब से टिकेटी का ही होना चाहिए। तो गाइस बरेली जंक्शन हम आ चुके हैं। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है अब निकल चुकी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए बरेली सिटी। और गाइस बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा आज की, मतलब हम लोग दूसरी बार जो है रेल ब्लॉग अपना कंप्लीट कर लिए बिल्कुल सक्सेसफुल। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई हैं गाइस, मैं बता नहीं सकता, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है गाइस। बहुत सारी आज वीडियोज़ बन चुकी हैं इससे और अभी भी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मशक्क़तों का सामना करके हमने आज जो है अपना जो सेकेंड ब्लॉग जो है सक्सेसफुल कर लिया है। और बरेली जंक्शन का आप यार्ड देख सकते हो बिल्कुल खाली खाली सा है सब। देखिए गाइस WDB 40 शंटिंग कर रहा है गाइस। अरे गाइस टिकेटी का है, टिकेटी का है 40407 वही है शंटिंग कर रहा है गाइस एक ICF ब्रेक के साथ, देख सकते हो। हम गाइस पहले भी दे चुके थे आपको, मतलब जब बरेली से जा रहे थे बदायूं की तरफ तो दी थी आपको, मुझे नहीं लगता कि दोबारा देनी चाहिए। आप लोग जो पुराना वाला वीडियो वो ब्लॉग बनाया था उसमें आप लोगों ने रूट देखा था पूरा। गाइस ट्रेन की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली सिटी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, और कुछ ही समय में जो है आउटर स्टार्ट होएगा, यार्ड जो है बरेली सिटी का वो स्टार्ट होने आ रहा है। सो दिस इज़ इनक्रेडिबल, बरेली सिटी गाइस आ चुका है और हमारी जर्नी भी गाइस यहीं तक है ख़त्म। देखते हैं फिर इसके बाद कौन सी जर्नी करते हैं।
उसके बाद गाइस अलीगढ़ रूट पे जाने का प्लान बनाएंगे, अलीगढ़ चंदौसी, ये रूट अपना नेक्स्ट जर्नी का पार्ट रहेगा। तो कब ये बनता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज का जो गाइस प्लान है वो तो अचानक ही बना, आज का ऐसा कोई प्लान था नहीं, और अपने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी शायद एंड टाइम पे ही किया था, थोड़ा ब्लॉक करने से पहले शायद आधा घंटा पहले हमने ऑफिशियली अनाउंस किया था। गाइस बहुत ही बेहतरीन मौसम रहा था। गाइस खुशी इस बात की है कि आज का जो हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, और सब कुछ बढ़िया रहा बस। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो है इस कैमरे में जो है मतलब काफ़ी सारे वीडियोज़ इसमें बनाए हैं, कम से कम 30 से 40 वीडियो तभी भाई इसकी स्टोरेज जो है अब तक फुल नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात रही है। तो सब कुछ गाइस अच्छा रहा है इस 3-4 घंटे की जर्नी में। बरेली सिटी गाइस हम लोग अराइव कर चुके हैं बरेली सिटी, तो गाइस ये खड़ा है आपका 40-31 WDB4D इज्जत नगर, और ये गाइस किसी एम्प्टी पैसेंजर ट्रेन के एम्प्टी रेक्स के साथ खड़ा हुआ है, और ये गाइस हमारी सामने ट्रेन 15-016 वो 15-061 ये आपकी एक्सप्रेस ट्रेन कासगंज टू लालकुआ। और गाइस इसी के साथ जो है हमारा जो जर्नी ब्लॉग समाप्त होता है, सेकंड जर्नी ब्लॉग समाप्त होता है, और उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं भी पूरी उम्मीद करूँगा कि इसकी क्रिएटिविटी ऐसे करूँ कि आपको अच्छा लगे, और अगर आपको गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बस यही आपसे विनती है। चलिए WDB4D 40-3